हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई तेजपाल मेहंदी, आर्ट एस। आज आपको सिखाता हूँ मैं बहुत ही अच्छी सुंदर डिज़ाइन, आर्ट का डिज़ाइन जो बहुत है सुंदर अरेबिक डिज़ाइन है। और इस वीडियो को ना थोड़ा ध्यान से देखना और बारीकी से समझना। ये मैं ना आपको एक एक चीज़ ना अच्छे से समझाऊंगा। आप मेहंदी लगाना सीखो, मेहंदी लगाना सीखोगे ना तो आपके साथ में एक हुनर कला आएगी। कल आएगी तो आप अच्छा पैसे कमाओगे, अच्छे आपका नाम होगा, आगे बढ़ोगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे। समझ आ रहा है ना गाइस आपको? तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ना मेहंदी लगाना सीखें और आपके हाथ में एक हुनर आए। चलो स्टार्ट करते हैं मेहंदी का डिज़ाइन, ठीक है? हेलो गाइस, हम देखो लगाने जा रहे हैं अरेबिक मेहंदी। ये डिजाइन ना काफी फेमस है और काफी शुरू से चलता आ रहा है। ये ज्यादातर लोग ना लोग ये अरेबिक मेहंदी डिजाइन लगवाते हैं, काफी लोगों को पसंद भी है। ये तो हम ये डिजाइन लगा रहे हैं, आपको आज ये डिजाइन बनाने सिखाएंगे, काफी बारीकी से समझाएंगे। तो आप से उम्मीद है कि आप ना इस वीडियो को पूरा देखें और समझें। वीडियो को ना बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। स्किप करके देखोगे तो आपको ये डिज़ाइन बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि मैंने आपको किस तरह से कैसे समझाऊंगा फिर मैं आपको कि ये कैसे कैसे कौन सा डिज़ाइन कहाँ से कहाँ लगता है। ठीक है गाइस, समझना। देखो हमने बनाया फ्लोवर का डिज़ाइन, उसे स्मोक सर्कल डाल के इसमें छोटे छोटे स्मोक सर्कल डालने हैं काफ़ी बारीकी से, और कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। उसमें फ्लावर का डिज़ाइन डाल के उसमें ना गोल्ड कर देना है। और उसके ऊपर देखो कि हमने शेडिंग करनी है बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल हल्के हाथ से डालनी है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा कैसे कर रहा हूँ मैं, कुछ इस तरह से करनी है जो आपको फ्लावर हाईलाइट करें। ठीक है, हम बनाएंगे उस पर आर्मी का डिज़ाइन। आर्मी का डिज़ाइन तो आपको आता होगा, मैंने आपको बताया भी है कई बार अपनी क्लास में। इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बताई है कि इसमें आर्मी का डिज़ाइन कैसे बनता है। इस तरह से आपको देख लेना वीडियो को, थोड़ा से बना लेना। इस तरह से बना के इसमें हम देंगे बिल्कुल बारीक बारीक लाइन डालनी है, बिल्कुल आराम से डालनी है। और चेक का डिज़ाइन हमें बनाना है आंबी के अंदर इस तरह से, बस बिल्कुल आराम से बनानी है, कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी करोगे तो आपका डिज़ाइन मेहंदी की जो डिज़ाइन है आपका खराब हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें हम चेक को इस तरह से बोल्ड कर देंगे, भर देंगे इस तरह से। ये भी आपको आता होगा कैसे भरते हैं, इस तरह से भरना है, अभी तरीके से भरनी है। डॉट कर जान दिया अच्छे से, इसमें हम देंगे बिल्कुल टच करेंगे, दबाएंगे धीरे धीरे से। ऊपर गोला ही ना बिल्कुल बराबर आनी चाहिए ना, कोई टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी होगी तो आपका डिजाइन तो खराब हो जाएगा। और आपसे उम्मीद करता हूँ ना अपनी कौन कौन ना, जैसे मैं साफ कर रहा हूँ बार बार हर ट्रेन पे ना, कौन पे हर जो हम पॉन्ड बनाएंगे उस पर आपको कौन को बिल्कुल साफ करनी है, ताकि आपकी जो डिजाइन है ना बिल्कुल सफाई से बने और क्लेटी से बने। ठीक है, इस तरह को हम देखो टच करेंगे, उस करेंगे ऐसे दबाया। तो देखो आप देख रहे होंगे मेरी हाथ को, मैं किस तरह से बिल्कुल सफाई से बना रहा हूँ और कौन के अपनी साफ कर रहा हूँ। आपसे ना रिक्वेस्ट है कि आप भी साफ करते रहें। यहाँ पे हमने देखो जलेबी डिजाइन दिया सर्कल, उसमें देंगे छोटे छोटे स्मॉल सर्कल काफ़ी सफाई से, इसमें देंगे स्मॉल सर्कल गोल गोल जो फ्लावर का डिजाइन है। ठीक है, उसमें बोल्ड करेंगे तो इस तरह से, देखो अच्छा लग रहा है ना। तो हम यहाँ पे शेडिंग की डाल रहे हैं बिल्कुल धीरे धीरे आराम से, और बिल्कुल हल्के हाथ से डालनी है ताकि ये इसमें मिक्स ना हो,
यहाँ पे देंगे हम, फिर हम फिर से कट जाएँ के बिल्कुल लाइनें टूटनी नहीं चाहिए और बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। थोड़ी सी हमने इसको मोटी करी क्योंकि ये थोड़ा हाईलाइट करे, थोड़ा मतलब दिखाई दे, दिखाई देगा तो आपको चमकेगा ना अलग दूर से कि हाँ यार इसके अंदर हम लाइन डालेंगे। बस एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम कोई मेहंदी लगाने जाए ना तो उसमें हम दो कोन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि एक जो बारीक चले मतलब पतली चले, थोड़ी सी मोटी, मोटी के लिए मोटी कोन चलाएं, जो हम पीछे भरते हैं ना उसके लिए हम पतली मेहंदी वाली जो कोन है वो चलानी चाहिए। उससे जो हमारा जो बारीक डिजाइन है ना वो आराम से भरता है, मोटी के लिए ऊपर से जैसे हमने भरा ऊपर से बोल्ट करते हैं ना उसके लिए उस पर डालने करने का इस्तेमाल करना है उसको। ठीक है ना गाइस, इसमें हम देंगे देखो टच करेंगे टच करेंगे इसको क्या बनाया हमने देखो थोड़ी पतली सी डाल दी दोबारा, इस तरह से हमें दोबारा डालनी है कुछ टच करेंगे टच करेंगे इस तरह से कुछ दोबारा इस तरह से ही। इसमें हम देंगे छोटे छोटे स्मॉल सर्कल, ये तो आपके आते ही होंगे मेहंदी के डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा हमारे स्मॉल सर्कल का इस्तेमाल किया जाता है। ये हम पतली मेहंदी से देंगे, मैं भी अपनी बार बार कोन को चेंज कर रहा हूँ, जहाँ पे पतली मेहंदी की जरूरत है वहाँ पे बारीक वाली चलेगी, जहाँ पे मोटी की जरूरत है वहाँ पे मोटी की चलेगी। यहाँ पे देखिए हम जलेबी का डिजाइन बिल्कुल प्यार से, कोशिश करना कि ये आपका डिजाइन जो ना आप इसमें मिक्स ना हो, मिक्स हो जाएगा तो आपका डिजाइन है क्या हो जाएगा ख़राब हो जाएगा, तो आपको मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा तो क्या होगा आपका डिजाइन बेकार हो जाएगा ना। कोशिश करना जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी आपके हाथ में फिनिशिंग आएगी और क्लैरिटी आएगी और आप मेहंदी लगाना सीख जाओगे। ठीक है, उसने देखो जल्दी से यह बना दिया ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो आपको ये लगे कि यार ज़्यादा लंबी वीडियो जो अफोर्ड ना हो, इसलिए मैं थोड़ी सी जो जल्दी में वीडियो नहीं है इस तरह देखो हम दबाएंगे, बिल्कुल लाइन अप बराबर होनी चाहिए, ना कहीं से चौड़ी ना कहीं से मोटी होनी चाहिए। ठीक है गाइस, मैं चाहता हूँ कि आप मेहंदी लगाना सीखो, खूब सीखो, खूब ट्रेनिंग करो, खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो आप सीखोगे, सीखोगे तो आप आगे भी बढ़ोगे और पैसे कमाओगे। कम से कम इसमें ना बहुत कमाई है इसके डिजाइन में, आप ना 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 की कमाई है। अब ब्राइडल मेहंदी लगाओगे ना, मैं आपको एक एक चीज़ ब्राइडल मेहंदी ऐसी सिखाऊंगा जहाँ पे तुम अगर इस ब्राइडल मेहंदी को लगाओगे तो आप ना 20,000 से 25,000 तक के क्लाइंट आपको मिलेंगे। आप वो डिजाइन उन्हीं को लगाना जो ये लगवाना चाहते हैं बारीक डिजाइन। मैं अगली क्लास कोशिश करूँगा बारीक डिजाइन लेके आऊँगा ब्राइडल मेहंदी के लिए, वो मेहंदी ना कम से कम 20-25,000 की मेहंदी है, वो आप जिसको लगाओगे ना वो इतनी की मेहंदी है वो आपको क्लाइंट खुश होकर देगा। मैं आपको ना एक एक चीज़ एक एक डिजाइन ब्राइडल मंडाला अरेबिक मॉडल जितने भी डिजाइन है ना मैं आपको एक एक हर क्लास में समझाऊंगा। मेरी नेक्स्ट क्लास का आप वेट कर रहे हैं, मैं हफ्ते में दो वीडियो डालता हूँ, संडे को एक, बुधवार या वीरवार को डालूँगा, दो वीडियो डालता हूँ, मेरी क्लास को समझा करें मैं कब डालूँगा, तो उसमें आप सीखेंगे कैसे डिजाइन बनाए जाते हैं। कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको अगली वीडियो में कलर मेहंदी के लिए जो मैं डिजाइन बताऊंगा बहुत बारीकी से और बहुत बारीक फिलिंग वाली वीडियो आएगी ब्राइडल मेहंदी के लिए कैसे लगाई जाती है। गाइस आप मेरा वेट करना, मैं आपके लिए ये मेहंदी का डिजाइन लेके आऊँगा। ये देखो हमने बनाया यहाँ पे, इस पर डालेंगे हम छोटे छोटे
पश्चिमा सर्कल कुछ इस तरह से बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, ना छोटे बड़े होने चाहिए ना आगे पीछे, आप इसमें मिक्स ना हो। कोशिश यही करें जितनी आपके फिनिशिंग आएगी ना उतनी ही आपके हाथ में जाएगा वो क्या कहते हैं सुंदर डिजाइन। प्रैक्टिस करो ना, करो खूब करो जितनी आप सुनो। मैं ये नहीं कहता कि मेहंदी सीखो, जिस चीज़ कुछ भी करो बस मेहनत करो, मेहनत करोगे आपकी मेहनत रंग लाएगी, आप पैसे कमाओगे, खूब आगे बढ़ोगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे। आपके हाथ में हुनर आना चाहिए, ठीक है। और जितनी बार आप ये वीडियो देखोगे करके मत देखना, मतलब रिपीट करके देखना, जितना नहीं आ समझना रिपीट करके देखे। ये डिज़ाइन कम से कम आपको 5 बार बनाना है, और पहली वीडियो जो जब आप ये डिज़ाइन बनाओ ना पहले फ़ोटो खींच लेना उसका, तो आप देखना कि फिर 5 बार लगाना, फिर देखना कि उसके बाद आपका डिज़ाइन कैसे लग रहा है। आपके हाथ में ऑटोमेटिक फिनिशिंग आएगी, फिनिशिंग ज़रूर आएगी, नहीं आएगी फिर लगाना, फिर देखना कि फिनिशिंग आई या नहीं आई, आएगी फिर नहीं आई फिर दोबारा लगाना, फिनिशिंग ज़रूर आएगी, 100% आएगी। जब तक करना जब तक हाथ में आपके फिनिशिंग ना आ जाए। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके पूरी सपोर्ट करूँगा कि आपको जहाँ कोई दिक्कत आओ, जहाँ कोई प्रॉब्लम आओ, मैं आपको बताऊँगा, कमेंट में लिख के बताना कि भैया मुझे ये डिज़ाइन नहीं आ रहा, मैं उसके लिए स्पेशल क्लास लेके आऊँगा। कमेंट में लिख के बताना कि भैया मुझे नहीं आ रहा, मैं आपके कमेंट पढ़ूँगा कि किसमें दिक्कत आ रही है। मैं आपको एक एक चीज़ गाइड करूँगा कि आपको कौन सी चीज़ क्या नहीं आ रहा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ये आपको भाई का वादा है, पूरा वादा है। उनको एक चीज़ समझाऊँगा, बस आप मेहनत करो, खूब मेहनत करो। बस देखो डिजाइन मेरा कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा ना गाइस? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना है, और चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बटन दबाएं, मेरी वीडियो आपके पास आती रहे, आपका प्यार मुझे मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो जो डिज़ाइन को सीखना चाहता है ना उनको ये वीडियो ज़रूर भेजें, क्या पता उनके वीडियो काम आ जाए, वो भी मेहनत सीखना सीख जाए। प्लीज़ करना शेयर और लाइक तो ज़रूर करना प्लीज़। आपसे अच्छा लग रहा होगा ज़रूर करना लाइक। ये हमारा डिज़ाइन पूरा हमारा पूरा हो गया है, कैसा लग रहा है आपको? डिफरेंस बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बढ़िया है ना, हमारा डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। ये किसी के हाथ पे लगाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा लग रहा है ना ये। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद भी आई होगी। ये अरेबिक डिज़ाइन है, मैंने आपको एक अच्छी तरह से समझाया कि ये कैसे लगाई जाती है। अगर ये आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और आपकी मेरी वीडियो जो आपके पास आती रहे, और आपका प्यार जो मुझे भर भर के मिलता रहे। ये मेरा नहीं, ये आपका चैनल है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय हिंद भारत।